खुशी हो या गम, बढ़ते रहे कदम, बिहार के विकास की गाथा सुनाते हैं हम। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, बिहार सरस मेला 2022 का आगाज हो चुका है। 15 दिसंबर से ये चलेगा, यानी कि आज 15 दिसंबर है और ये 29 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि नए साल 2023 के आगमन के दो दिन पहले इस मेले का समापन। जब लोग नव वर्ष के सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे होंगे तब इस मेले का अंत होगा। आइए देखते हैं कि बिहार सरस मेला 2022 में क्या कुछ देखने को मिलता है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीविका के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जीविका दीदी की रसोई है जो काफ़ी अभी फेमस हो रहा है। जो घरेलू महिलाएं हैं जो जीविका के माध्यम से काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाती हैं और यहाँ पर उनका नाम रखा गया है जीविका दीदी की रसोई, जहाँ पर आपको अच्छे व्यंजनों का, तरह तरह के बिहार के प्रसिद्ध व्यंजनों का भी स्वाद चखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं ग्रीन कारपेट पे ये सारा एरिया जो है आपका फूड एरिया है, यहाँ पे आप खा सकते हैं। साल 2023 के आगमन के पहले आप पटना के गांधी मैदान में एंजॉय लें, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा जो व्यवस्था किया गया है, इस व्यवस्था में सब कुछ फ्री है, मतलब कि एंट्री फ्री है, कोई टिकट का झिकझिक नहीं है। आइए और यहाँ पे अपने अनुसार खरीदारी कीजिए या फिर समय बिताइए। हमारा सरस देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये डिजाइन बनाया गया है और काफी प्यारा लग रहा है। ये यहाँ पर देख सकते हैं काफी सुंदर लग रहा है। और अपने हुनर से सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करते बल्कि राज्य और देश के स्तर पर भी अपने हुनर का इस्तेमाल। तो भाई आज पहला दिन है, इसलिए मेले में अभी तैयारियां चल रही है, सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर रखने की। कल जब आएंगे तो कल इसका एक नया रूप होगा, नया अंदाज होगा इस मेले का। कहाँ से आप लोग आए हैं? गोपालगंज से। खुद बनाती हैं? क्या प्राइस अच्छा है इसका? आप लोग कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर जिला से। तो बोर्ड कहीं नहीं लगाई हैं? कहाँ से आए भैया? भागलपुर से आए हैं। क्या लेके आए हैं? खादी सिल्क के आइटम लेके आए हैं। गया से आए। गया से आए, अपना कंपनी है सब। हाँ हाँ, तो खुद बनाई है सब? एक अंदर से, ये सब बाहर से आया है। दूर दूर से इस मेले में शामिल होने के लिए लोग आते हैं। ये बैग आपको देख करके समझ में आ गया होगा, अभी गट्ठर है, सभी अपने अपने जगह पे आ चुके। पहला दिन है तो अभी ये सब चीज़, बहुत चीज़ें जो है अभी सिस्टमेटिक नहीं हुआ। ये हैंगर है जिसमें आपको कई स्टॉल, कई चीज़ें आपको मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। कई खाने पीने की चीज़ें जो बाज़ार में इजी वे में उपलब्ध नहीं होता है वो भी मिल जाता है। कपड़े आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। कमाल की बात है कि आज ही नाबार्ड द्वारा जो लगाया गया था वो भी नाबार्ड हाट, उसका भी आज समापन है। तो सरस मेला का आज शुभारम्भ, देखिए एक से एक बेडशीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत कुछ है यहाँ पर, ये देखते हैं। कहाँ से है भैया? जिला छतरपुर से आए हैं। छतरपुर जी। अच्छा, राज्य कौन सा हो गया? एमपी। एमपी से आए हैं? अच्छा,
तो क्या लेकर के आए हैं? हम जो गांधी आश्रम का सब बेड शीट वगैरह है, टैबले वगैरह हैं, और जो है सब लेके आए हैं। अच्छा, टॉवल वगैरह क्या रेंज शुरू हो जाता है आपके यहाँ? एक से 200 रुपये है, 150 रुपये है। अच्छा, जो जैसी टॉवल है। अच्छा, और बेड शीट है 8x9 की है। ये कितने की है? ये 700 रुपये की है। 700 रुपये की है। तो बेड शीट वगैरह, और ये बेड शीट चादर है, ये 600 रुपये का है। 600 रुपये का सिंगल बेड शीट है। 350 रुपये का है। 350 रुपये का। 1 करोड़ से उधर हम आए, एक इधर आपका स्टॉल्स वगैरह लगा हुआ है जिसे अभी डेकोरेट किया जा रहा है, जिस चीज़ों को अपने अपने जगह पर रखा जा रहा है। दूसरा आपका ये रो है जहाँ पे आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगी। कैसन है? बढ़िया। क्या मिठाई की मेला? मेला भी मिठाई भी। दोनों एक नंबर। प्रज्ञा बोलते हैं, खोवा डाला हुआ है, कहाँ से आए हैं? गोपालगंज जिला। गोपालगंज का तो बहुत फेमस चीज़ है ये, तो ये वही वाला है जी। बना कहाँ रहे हैं? वहाँ से बना के ला रहे हैं कि है। यहाँ से टेस्ट वही है जी। खिलाई चेक कराइए तो कैसा है? बहुत अच्छा है ना? अच्छा है बहुत। क्या मेला की प्रक्रिया? मेला की प्रक्रिया कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, गरम गरम और टेस्ट बढ़ा रहा है। ऐसा मजा तो लगता है कि अब ये खोवा इसमें देख रहे हैं भाई, आजकल खोवा की जगह पे कुछ और डाल देता है लोग, लेकिन यहाँ पे प्योर खोवा है, ओरिजिनल खोवा है। कैसा लग रहा है गौतम? क्या कर रहा है? पाव भाजी खा रहा है। इतना खा लेगा तू? पापा खाएंगे। कैसा लग रहा है ये? कैसा लग रहा है? ठीक है। मेला कैसा लगा? मेला में क्या किया बोला? घूमे ना। घूमे? आओ काका किया? कुछ नहीं किया। झूला नहीं झूला? झूले। झूला ना वो हुआ ना। तुम क्या की? झूला झूली। अब तुम बहुत कम खा रही हो। शर्मा रही है। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ है और शाम होने वाला है, शाम हो ही गया है, देखिए दीदी की रसोई में भीड़ लग गया है और लोग यहाँ के जाए पकवानों का स्वाद ले रहे हैं। क्या है अमृति? क्या चीज़ का? उड़ दल का। अच्छा, आप लोग कहाँ से आई हैं? बंकाघाट से आई हैं। वाह क्या बात है। कैसे पीस बेच रही हैं? 50 का 3 है। 50 का 3 है। लिट्टी चोखा है? खुद से बनाई है? वाह क्या बात है। कहाँ से आई हैं आप लोग? अच्छा, सदर अस्पताल हाजीपुर से आई हैं। हाँ, वहाँ पे आप ही लोग बनाती हैं? बहुत नाम सुने वहाँ का। तो लिट्टी है और अच्छा कैसे कैसे पीस है? 40 में 2 है। इसमें क्या है? अच्छा, और 2 लिट्टी शुद्ध घी पे। चलिए चलिए, क्या खुद अपना बनाया हुआ लिट्टी कैसे है? तो बिहार सरस मेला 2022 का आगाज हो चुका और ये आपके इंतजार में पलके बिछाए बैठा है। अब आप भी देर नहीं कीजिए, 2022 का अंतिम महीना चल रहा है और अंतिम सप्ताह भी 2 सप्ताह बचा हुआ है। 2023 के आगमन के पहले आप यहाँ पर आइए, खरीदारी कीजिए, खाने पीने का आनंद लीजिए और इस गांधी मैदान में आप आकर के लुत्फ उठाइए मेले का। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आइए, बहुत कुछ इस मेले में आपको मिलेगा। तो देर मत कीजिए, आइए, 29 दिसंबर तक ये चलेगा। खुशी है या गम, बढ़ते रहे कदम, बिहार के विकास की गाथा सुनाते हैं हम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संजय सवाल आप सभी से विदा लेता हूँ।